राजेश, यहां जो इस खबर के बाद घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, आपके पास कोई अपडेट इस इवैक्यूएशन प्रोसेस को लेकर? क्योंकि खारकीव की सीमाएं रूस से जुड़ती हैं, रूस से बातचीत की कोशिश की जा रही है, सेफ पैसेज की बात की जा रही है, कोई नई अपडेट आपके पास? ओके, देखिए, मैं अभी, मेरे साथ यहाँ दो यूक्रेनियन सैनिक हैं जो यूक्रेनियन झंडा लेकर घूम रहे हैं। मैंने उनसे पूछा है कि आप यूक्रेनियन झंडा लेकर क्यों घूम रहे हैं। उन्होंने बताया ताकि वो जो पहचान सके कि हम बाय। ओके, थैंक यू वेरी मच। आपका आवाज आ रही है? जी जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। ओके ओके, मैं अभी यहाँ दो यूक्रेनियन सैनिकों के साथ में था, इनके हाथ में यूक्रेन का झंडा है, तो ये बड़ा स्वाभाविक सवाल है कि आप झंडा लेके क्यों घूम रहे हैं यूक्रेन का। तो उन्होंने बोला ताकि हमें पहचान सकें कि हम यूक्रेन के सैनिक हैं। खैर, ये बात अलग है, इसको मैं इस पर बाद में आऊंगा। अगर आप चाहें तो मैं इसका थोड़ा सा इस मिलिट्री इसका एंगल दे सकता हूं। जी, लेकिन अगर आप खारकीव की बात करना चाहें, जो एक बहुत ही ट्रेजिक आज इंसिडेंट हुई है, हमारे एक विद्यार्थी की मौत हुई है, अगर उसके बारे में पहले बात करना चाहते हैं, आप इस बात को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वो इस झंडे के जरिए क्या संदेश देना चाह रहे थे? ओके, देखिए, ये चीज मेरे लिहाज से ज्यादा वो है, रिलेवेंट है, कि ये बड़ी अजीब चीज है कि आप अपने देश की राजधानी में घूम रहे हैं और आपको अपना झंडा हाथ उठाकर घूमना पड़ रहा है सैनिकों को जिन्होंने यहाँ की वर्दी पहनी हुई है। जब मैंने उनसे सवाल जवाब किए तो उन्होंने कहा कि ये इसलिए है ताकि अगर कोई स्नाइपर कहीं छुपा हुआ है बिल्डिंग्स के अंदर या कहीं और दूसरा कोई हथियारबंद लोग हैं, वो ये पहचान सकेंगे हम यूक्रेन की आर्मी को बिलोंग करते हैं। देखिए, ये इस तरफ इशारा करता है कि यहाँ इस वक्त इतना ज्यादा डर का माहौल है और ये नहीं पता किसी को कि कौन रूस का समर्थन कर रहा है और कौन यूक्रेन का। और ये इस तरफ भी इशारा करता है कि यूक्रेन की जो स्पेशल फोर्सेज हैं वो पूरी तरह से कीव के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर चुकी हैं और वो बैठी हैं इस इंतजार में कि जैसे ही कन्वेंशनल अटैक, जो कि मेरे हिसाब से कल रात को शुरू होना चाहिए, जब शुरू होगा तो ये खुल के सामने आएंगी और ये अंदर से जो है प्रहार करेंगी ताकि जो यूक्रेनियन डिफेंसेस हैं, जो यूक्रेन को बचाने के लगी हुई हैं, वो जल्दी से जल्दी नहीं। राजेश, फिर यहाँ पर एक गंभीर सवाल ये खड़ा होता है कि जो एडवाइजरी आई थी जिसमें कहा गया था कि आप जैसे तैसे कीव को छोड़ दें, इस स्थिति में फिर वो संभव कैसे हो पाता है? ये भी चिंता का सवाल है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है एंड इट्स अ गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल है आपका। लेकिन मैं आपको एक खबर दे दूं थोड़ी सी, आप पता नहीं, अब ये आपको सायरन की आवाज आ रही है पीछे? जी जी जी, हम सुन पा रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि अभी एयर रेड होने वाली है या कहीं ना कहीं मिसाइल स्ट्राइक होने वाला है। एनीवे, मैं कंटिन्यू रखूंगा। देखिए, रशिया ने भी एक एडवाइजरी इशू की है कि कुछ हाईवेज, कुछ सड़कें इस वक्त भी खाली हैं जिनको यूज किया जा सकता है, जिन पे हमला नहीं किया जाएगा। ये रशिया ने अपनी तरफ से कहा है। एक मिनट होल्ड करिए प्लीज, सायरन बंद होने दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। जी, और हम आपसे भी गुजारिश करेंगे, आप अपने आप को भी सुरक्षित रखिए। देखिए, जो कुछ सड़कें हैं, हाईवेज हैं, जो खारकीव से निकल रहे हैं, कीव से निकल रहे हैं, रशिया ने बोला है कि उनकी फौजें किसी भी गाड़ी को उन हाईवेज के ऊपर टारगेट नहीं करेंगी। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है हमारे विद्यार्थियों के लिए जो फंसे हुए हैं।